कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने की साथ ही अब प्रदेश में अनलॉक की तरफ भी बढ़ा जा रहा है। प्रदेश में 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू होगा। बुधवार से 10% से कम पॉजिटिविटी वाले 22 जिलों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलेंगे। वहीं फिलहाल राजधानी जयपुर सहित 11 जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होने के चलते छूट मिलना मुश्किल है। प्रदेश में 46 दिन बाद अब अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है। सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है और मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है। 2 जून से यानी बुधवार से ये मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू होगा और इसमें कुछ रियायत दी गई है। अब सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खुल सकेंगे और जो निजी वाहन हैं उनको भी छूट दी गई है आवाजाही की। लेकिन खासतौर पर वो जिले 10 जिले जहाँ पर 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जहाँ संक्रमण 10% से ज़्यादा है, वहाँ पर छूट नहीं दी गई है। राजधानी जयपुर में अभी छूट नहीं दी गई है, मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू नहीं किया गया है। बाकी जो 22 जिले हैं प्रदेश के, वहाँ पर मॉडिफाइड लॉकडाउन की लागू किया गया है। वहाँ पर बाजार खोले जाएंगे, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोले जाएंगे और निजी वाहनों की आवाजाही भी रहेगी। लेकिन राजधानी जयपुर अभी मॉडिफाइड लॉकडाउन में नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर जो केसेज हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और हालांकि पॉजिटिविटी रेट जो है राजधानी जयपुर की वो 10% से कम है, लेकिन केसेज जयपुर में ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में अभी आज इसका फैसला होना है कि क्या जयपुर में भी बाजार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्योंकि डिमांड प्रदेश जो राजधानी जयपुर के व्यापारी हैं उनकी भी है। लेकिन क्योंकि जो राजधानी जयपुर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो 75% से अधिक अभी भी भरे हुए हैं और यहाँ पर केसेज अभी भी ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आज जो व्यापारी हैं, जो तमाम व्यापार मंडल के लोग हैं, वो जो जिला प्रशासन है उनसे वार्ता होगी और सह शर्त के आधार पर ही व्यापारियों को बाजार खोलने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के केसेज अब घट रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनलॉक की शुरुआत हुई है। लेकिन सरकार ने तमाम जो व्यापारी हैं, जिन लोगों को ये छूट दी है, उनको शर्त के साथ कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन की पालना के साथ ही उनको बाजार खोलने होंगे और पूरी पालना करनी होगी। अब देखना ये है कि आज जो तमाम व्यापारी मंडल हैं उनकी जिला प्रशासन से जो वार्ता होगी, तो अगर उनकी सहमति होगी शर्त के आधार पर ही राजधानी जयपुर में भी मॉडिफाइड लॉकडाउन किया जाएगा। फिलहाल पूरी तरह से बाजार बंद है और यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें, अभी भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर चेकिंग कर रहा है। जो भी बिना मास्क के आ रहे हैं, जो बिना परमिशन के आ रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि राजधानी जयपुर में ट्रैफिक काफ़ी बड़ा है, लोग ज़्यादा बाहर निकलने लगे हैं, कोरोना संक्रमण के केसेज कम आने लगेंगे। जो 5000 से सीधे 200 पर पहुँच गए हैं, करीब 220 केसेज कल आए थे, तो ऐसी स्थिति में अब धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि ये जोखिम हो सकता है और एक बार फिर कहीं ना कहीं संक्रमण ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी, गाइडलाइन की पालना करनी होगी। सरकार चाहती है कि 46 दिन से पूरी तरह से राजस्थान लॉक था, ऐसी स्थिति में लोगों को व्यापार का भी नुकसान हुआ है, तो सरकार चाहती है कि धीरे धीरे अनलॉक किया जाए और सबसे पहले मॉडिफाइड लॉकडाउन कल 2 जून से लागू होगा। प्रदेश के 22 जिलों में लागू होगा, बाकी जो 10 जिले हैं जहां पर 10% से अधिक केसेज आ रहे हैं वहां पर जिला प्रशासन और बाजार के जो व्यापारी हैं उनकी सहमति के आधार पर, शर्त के आधार पर छूट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अब अनलॉक की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अनलॉक भले ही राजस्थान हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइन की पालना करना काफ़ी जरूरी है और उसी शर्त के आधार पर जिला प्रशासन तमाम जो बाजार हैं उनको यहाँ पर छूट देगा। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरुका, एवं टीवी जयपुर।